नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कांग्रेस की मनमानी नहीं। क्या बात है, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इंकलाब जिंदाबाद। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ये है आम जिंदगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या मुद्दा है, इसका मतलब क्या है? जो नहर लगा है, पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट। सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है। ये जो प्रदर्शन है किस मुद्दे पर है? मुद्दा यही है कि जो हमारी सरकार थी पिछली, कैसे उन्होंने हमें लूटा। हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें और दिखाएं कि भारत का विकास कैसे होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नहीं तो यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ रिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स पे नारे लगा रहे हैं, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात कर लीजिए। ये है मेंटोस जिंदगी। साले मजाक बना के रखते हो। पर इधर आइए, क्या लिखा है बताइए। पहले लगे आपके आपके वोट, फिर लीजिए आपका। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लोटा, ये अश्लील है ये लोटा। और वोट ले जाएंगे आप, इसका क्या मतलब हुआ? सर जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने। क्या प्रपोज किया? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सर इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं। कौन ले रहा है? सर हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ? हाँ। और सर इस अभी इतना ज्यादा नहीं, आपको नहीं पता है। और आए, अच्छा यहाँ पर भी एक मिले, आइए इधर आइए। क्या क्या है आपके बोर्ड पर लिखा? गया, गुड बाय। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। अच्छा इस पर क्या लिखा हुआ? से नो टू वेल्थ। हाँ ये कर लो पहले। इसका मतलब क्या है? सर यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अगर क्यों? सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके। अच्छा क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे क्या? ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को हटाना है। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। अच्छा इनके पास भी है। क्या लिखा है आपके बोर्ड पे, पढ़ के बताइए क्या लिखा है? माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो। क्या बोला तूने? नजर गड़ाओ, नजर गड़ाओ। हाँ नारी शक्ति के क्रोध से खौफ 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 पूरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इसका क्या मतलब? हाँ जी तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ये गधों की फौज कौन सी पार्टी की है इसको गेस करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जो है काफी घिसी पिटी हो चुकी है, सेम चीज करते हैं हर बार। बात तो सही है। बीजेपी के आईटी सेलियाओं से जब काम नहीं चला तो बीजेपी ने ऑन ग्राउंड कुछ सो कॉल्ड स्टूडेंट्स को निकाल कर भेजा प्रोटेस्ट, और ये कहा कि मार्च करके कांग्रेस के ऑफिस तक जाओ। लेकिन बेचारे ये बताना भूल गए कि आखिरकार वो किस लिए मार्च कर रहे हैं। प्रैंक हो गया आपके साथ। और उसके बाद क्या हुआ, खूब सारा एंटरटेनमेंट। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता, सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।